पांचवें दौर में जिन 11 जिलों में मतदान होना है उसमें कौशाम्बी जिला भी शामिल है। यहां 3 विधानसभा सीटें हैं, सिराथू, मंझनपुर और चायल। इनमें सबसे चर्चित चुनावी लड़ाई सिराथू में है, जहां से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा उम्मीदवार हैं। उन्हें हराने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत लगा दी है, तो केशव प्रसाद मौर्य की बड़ी जीत पक्की करने के लिए पीएम मोदी ने कौशाम्बी में बुधवार को बड़ी सभा की और आज प्रयागराज में फिर से केशव मौर्य को बार बार उन्होंने तारीफ की। केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के बड़े पिछड़े नेताओं में एक है और पांचवें दौर के मुकाबले में पिछड़े और दलित वोटरों की भूमिका बेहद खास है। इस क्षेत्र के सपूत मेरे परम मित्र केशव प्रसाद मौर्य जी ने यहां दिन रात एक कर दिया। तेरे जैसा यार कहां, कहां ऐसा याराना। और याद रखेगा सिराथू स्टूल पर बैठाना। सिराथू की चुनावी लड़ाई की अहमियत को समझने के लिए पीएम मोदी की ये तारीफ और अखिलेश यादव का चुभता हुआ तंज ही काफी है। सपा अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू में हराने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है। बताओ स्टूल वाले मंत्री ने धोखा दिया है कि नहीं दिया है सिराथू की जनता को। मैंने सुना है कि बहुत सड़कें बनाई यहाँ पर, कोई चौड़ी सड़क नहीं बनाई, तो इसका मतलब गड्ढे में सड़क बनाई होगी। 2012 से 2017 समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो गुंडागर्दी हुई थी याद है कि नहीं याद है, जो अपहरण होते थे याद है, जो जमीन पर कब्जे होते थे याद है, जो गरीबों की बेटियों को भी उठा ले जाने का पाप करते थे वो याद है। सिराथू की जिस रणभूमि के नाम ऐसी गर्मा गर्म तकरार चल रही है, अब जरा उसकी बिसात समझ लें। यहाँ कहने को तो भाजपा और सपा के बीच दो तरफा मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन मैदान में बसपा और कांग्रेस भी ताल ठोक रही हैं। भाजपा उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती देने के लिए सपा ने यहां से अपना दल कमेरावाद की पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा की तरफ से मैदान में है मुनसब अली उस्मानी। वहीं कांग्रेस की तरफ से सीमा देवी केशव मौर्य को चुनौती दे रही हैं। तब 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर जब आपने कमल खिलाया, गुंडे कहीं दिखाई देते हैं क्या, दिखाई देते हैं क्या? अगर गुंडागर्दी खत्म हुई है तो कमल के फूल ने खत्म किया है कि नहीं किया है? आपने किया ये है कि आपने पिछड़ों का वोट लेकर के 5 साल स्टूल पर बैठने का काम किया है कि अब कुछ नहीं होने वाला केशव जी। अब तो आपने जो सिराथू की जनता के साथ किया है उस अपराध के लिए, उस शोषण के लिए ये जनता आपको दंड देने के लिए आगे निकल पड़ी है। केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के बड़े ओबीसी चेहरों में हैं, इसलिए अखिलेश यादव की कोशिश उन्हें अपने ही गढ़ में हराने की है, लेकिन ये आसान चुनौती नहीं लगती। सिराथू में करीब 3,80,000 वोटर्स हैं, इनमें से 33% दलित और 34% ओबीसी हैं। ओबीसी वोटर्स में सबसे ज्यादा कुर्मी वोटर्स हैं, 19% अगड़े और 13% मुस्लिम वोटर हैं। कुर्मी समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य के मुकाबले अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। इस सीट पर पटेल और मौर्य वोटरों की तादाद करीब 63,000 है, जिसे अब तक मौर्य ने मजबूती से साथ रखा है। ये विरोधियों के लिए चुभने वाली बात है। श्री अखिलेश यादव जी, आपके समय बताओ याद है सपाइयों का नारा क्या? सपा जब सरकार में होती है सपा का नारा खाली प्लांट हमारा रहता था कि नहीं रहता था?
जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा रहता था कि नहीं रहता था। सिराथू में 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं और उससे पहले यहां के चप्पे चप्पे पर तूफानी प्रचार चल रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।